सपनों का शहर मुंबई, जहां लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। कहते हैं कि यह शहर कभी नहीं सोता, लेकिन यहां रहने वालों को तो सोने की जगह चाहिए होती है। यहां पर ही क्यों, दुनिया में रहने वाले लोगों की बेसिक उम्मीदें रोटी, कपड़ा और मकान है। बेशक यहां पर आने वाले ज्यादातर लोग अपनी जरूरियात पूरी कर लेते हैं और कुछ लोग अपने सपने भी पूरे कर लेते हैं, लेकिन मुंबई में एक ऐसा सपना है जो गिने चुने लोगों का ही पूरा होता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या सुपरस्टार बनने का सपना? नहीं नहीं, सुपरस्टार बनने का नहीं, बल्कि मुंबई में अपना खुद का घर खरीदने का सपना। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज मुंबई में खुद का घर खरीदना कितना मुश्किल है, लेकिन ऐसे हालातों में भी मुंबई शहर में एक ऐसा परिवार है जो इकलौता पूरे मुंबई शहर का 20% हिस्सा ओन करता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पूरे मुंबई शहर का 20% हिस्सा। आइए जानते हैं कौन सी है वो फैमिली और आज उस हिस्से की कीमत क्या होगी। यह सब जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, जब हमारे पूरे भारत देश पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हुआ करता था। तब समुद्र के किनारे बसा छोटा सा मुंबई अंग्रेजों की नजर में बैठ गया। 80 के दशक में मुंबई समुद्र तट पर बसा छोटा सा गांव था, जहां पर ब्रिटिश इंडिया ने अपना बिजनेस मूव करने का सोचा और ऐसे मुंबई ने डेवलप होना शुरू किया। धीरे धीरे छोटा सा शहर बॉम्बे माया नगरी मुंबई बन गया। लेकिन शुरुआत के दिनों में जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री लगाई, तो आसपास के कई सारे लोग यहाँ पर काम करने आने लगे। तरह तरह की फैक्ट्रियां लगने लगी, जिससे मुंबई शहर बड़ा होता गया और एक दौर ऐसा आया जब यह शहर बिजनेस हब बन गया था। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आगे के बिजनेस के लिए आज के विक्रोली, भांडोप और नाहर इलाके में कुछ जमीन खरीद ली थी, लेकिन वक्त के साथ उन्हें वो जमीन ज्यादा कुछ काम की नहीं लगी, जिसके बाद साल 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह जमीन बेचने का फैसला किया और इसे खरीदा उस दौर के जाने माने बिजनेसमैन फार्मजी कोवासजी बानाजी ने। उस समय यह डील कितने रुपए में हुई होगी, इसका कोई प्रूफ तो नहीं है। बाद में बिजनेस में कुछ नुकसानी की वजह से फार्मजी बानाजी ने उस जमीन को बेचना ही सही समझा। अब क्योंकि मुंबई के काफी बड़े हिस्से को खरीदना बेचना था, तो बकायदा ऑक्शन करवाया गया था, और वो भी मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा करवाया गया था, जिसमें देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। लेकिन इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली लगाकर फिरोज शाह गोदरेज ने 3,400 एकड़ की इस जमीन को गोदरेज परिवार के नाम कर लिया। बता दें कि फिरोज शाह 125 साल पुरानी गोदरेज कंपनी के मालिक परदेश हीर गोदरेज के भाई थे। खैर, जिस वक्त गोदरेज परिवार ने यह जमीन खरीदी थी, उस वक्त यह इलाका मुंबई के सेंटर में नहीं था, जिस वजह से कम पैसों में यह जमीन गोदरेज परिवार को मिल गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया और मुंबई शहर धीरे धीरे बड़ा होता गया और यह इलाका शहर के अंदर आने लगा, इसी जमीन के चलते आज गोदरेज कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी है जो मुंबई की सबसे बड़ी प्राइवेट लैंड ओनर है। और सालों पहले खरीदा गया यह 3,400 एकड़ का यह एरिया आज प्राइम लोकेशन बन गया है। अब अगर आज की सिचुएशन में इनकी प्रॉपर्टी को हम देखें, तो इनमें से आज 3,050 एकड़ की जमीन विक्रोली में है और बाकी का हिस्सा यानी कि 350 एकड़ का इलाका भांडोप और नाहौर में है। लेकिन गोदरेज परिवार ने इनमें से कितनी लैंड को इस्तेमाल किया है, यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। बता दें कि जब फिरोज शाह ने यह जमीन खरीदी थी, तब जाहिर सी बात है कि गोदरेज फैमिली उसके बाद से काफी ज्यादा एक्सपेंड होती चली गई। बता दें कि आज के समय में इस जमीन की कीमत करीबन 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। आज अगर इस जमीन की बात करें तो गोदरेज कंपनी ने करीबन 300 एकड़ में लीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अब जो 1,750 एकड़ की जमीन है, वो पूरी तरह से मैनग्रोव से भरी हुई है, जिसे ना ही गोदरेज ग्रुप बता सकता है और ना ही वहां पर कंस्ट्रक्शन कर सकता है, क्योंकि एनवायरमेंट डिपार्टमेंट वहां के इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए
यह मैनग्रोव्स को हटाने की परमिशन नहीं देता है। आखिर बचे हुए 1000 एकड़ की जमीन में डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन वहां पर भी फैमिली डिस्ट्रीब्यूट की दिक्कतें सामने आ रही है। अगर इस 1000 एकड़ जमीन में डेवलपमेंट की बात करें तो अब तक गोदरेज ग्रुप ने इस इलाके में अपनी फैक्ट्रीज लगाई है, जिसमें गोदरेज सिक्योरिटी, गोदरेज इंटीरियर, गोदरेज एरोस्पेस, गोदरेज टूलिंग जैसी कई सारी फैक्ट्रीज और वेयरहाउसेस मौजूद हैं। एक बात तो सच है, जहां गोदरेज भाइयों ने वकालत छोड़कर ताला बनाने की कंपनी शुरू की, वो आज साबुन से लेकर होम अप्लायंस और इंटीरियर से लेकर एरोस्पेस तक पहुंच चुका है। उसमें कुछ तो बात होगी कि लोग जितना टाटा पर भरोसा करते हैं उतना ही गोदरेज पर भी करते हैं। खैर दोस्तों, अब देखना यह है कि अब गोदरेज परिवार 3400 एकड़ की जमीन का क्या करेगा, यह देखने वाली बात है। खैर दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।